नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली से तपोवन के बिलागढ़ गांव धीरे धीरे पलायन की ओर जा रहा है। जोशीमठ विकास खंड का एक ऐसा गांव माना जाता है जिस गांव का नाम तपोवन गांव है। कहने को तो तपोवन तप स्थली माना जाता है। तपोवन पर्यटकों की पहली पसंद भी है। आपको बता दें, इसी तपोवन में एक गांव और बसता है जिसका नाम बिलागढ़ गांव है। जिस बिलागढ़ गांव में अधिकांश पंडित विद्वान लोग रहते हैं। हालांकि इस गांव में 40 से 45 परिवारों का अपना खुद का मकान है। बिलागढ़ गांव अब पलायन की ओर चल पड़ा है। अब इस गांव में बहुत कम पंडित लोग नजर आते हैं। किसी समय पर यहां पर बहुत चहल पहल देखी जाती थी, लेकिन अब इस गांव में अधिकांश लोग पलायन कर चुके हैं। अब मात्र कुछ ही परिवार नजर आते हैं इस गांव में। जिन परिवारों का कहना है कि हमारे गांव का मुख्य पलायन का कारण एनटीपीसी के द्वारा बनाए गए गांव के ठीक नीचे से हर टनल है, जिस टनल के बनने से गांव में काफी दरारें एवं खतरा उत्पन्न हो गया है। पंडित विद्वानों के परिवारों का कहना है कि एनटीपीसी के द्वारा बनाए गए टनल के भीतर आए दिन बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं, जिस कारण पूरा गाँव पूरी तरह से हिलडुल जाता है। यहाँ तक कि परिवार जनों का ये भी कहना है कि गांव के ठीक ऊपर से काफी भूस्खलन भी हो गया है, जिस कारण वे लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नवीन सिंह के साथ देखिए ये खास रिपोर्ट। फूल देगी, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा गांव आपदाग्रस्त है, आपदा से प्रभावित है। जो हमारे सड़क गांव के ऊपर सड़क जाती है, उसका सारा मलबा जब सड़क में इकट्ठा, उसका सारा पानी गांव में आता है। गांव में इसलिए नदी नाले बह जाते हैं और सारे लोग रात को उठ कर अपने गांव घरों के अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। और जो दूसरा मेन पॉइंट है, गाँव के नीचे टनल है। जब टनल में ब्लास्ट होता है तो सारे बच्चे हर एक कंपन की जैसे स्थिति गाँव में भूकंप की स्थिति जो होती है वो गाँव में बन जाती है और मेन कारण आपदा प्रभावित है। जी, बात करें अगर बिलागढ़ गांव की, तो यहां पर बहुत कम लोग देखे जा रहे हैं। तो कितने लोग यहां से पलायन कर चुके होंगे आपके? पहले जो यहां का मेन पहले गांव जो जितने परिवार थे 40 से 45 के बीच था परिवारों की संख्या, लेकिन आज के तो 10 से 14 के 10 या 15 के बीच रह गए, सब लोग पलायन कर चुके हैं। डोवाले में ग्राम बिलागढ़ में रहती हूं। ग्राम तपोवन में है, लेकिन गाँव का नाम बिलागढ़ है। लेकिन हमारे गांव में कष्टकारी कुछ भी नहीं होता। जो मतलब उसमें आता, क्या कहते हैं उसको, ग्राम सभा में आता, बिलागढ़ में कुछ भी नहीं आता। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। ऊपर से भी टूट रहा रास्ता, उस सब मलमल नीचे गांव में आ रहा, नीचे से भी टनल उनल जा रखा, बहुत खतरा हो रखा हम लोगों को। गाँव इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया कि अब पता नहीं क्या है। आप लोग सोचिए, देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जी, बात करें अगर पलायन की, तो पलायन पूरी तरह से ये गांव हो चुका है, तो कारण क्या है इसका पलायन होने का? कारण क्या है, हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे करेंगे पलायन? जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वो घरों में रह रहे, और जिनके पास होगा उन्होंने पलायन कर लिया। अपने रक्षा तो करना ही है, हम कैसे करते हैं अपनी रक्षा? हम खुद यहीं मर जाएंगे, दब जाएंगे, सरकारी करेगी हमारी इंक्वायरी। अब पीछे इंक्वायरी करके क्या फायदा? जब हमारे बच्चे हम सब यहीं दब जाएंगे तो क्या करेगी सरकार? हमारे कौन पाएगा उस संपत्ति को जब हम खुद मर जाएंगे? सबसे पहले हमारे सरकार से निवेदन है, हमारे गांव में आकर गांव का निरीक्षण करें, गांव की देखभाल करें कि कैसी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे आपदा में बैठे ना, हमारा मकान ये दिख रहा है टूट फूट, वहीं हम रहने मुश्किल हुई। ये तो सामने पर सरकार का भी देखभाल निकल, हमारी कोई पूछण आने हमारा जा चढ़ आपदा आई, कोई आए नहीं रहे हम और हमें कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहना हम। हम सरकार भी देखा, तुम लोग भी देखे, कोई भी अधिकारी गाँव में देख लिया ये दशा वही हमारे मकान। हम गाँव में जानवर जानवरों भी नहीं आजकल देखा तुम। उत्तराखंड में मोदी सरकार जानवरों वास्ते गौशाला का ढंग से बढ़ी रहा, हम मकान नहीं रोड है, हम क्या करना, बहुत मुश्किल का काम। नाम नहीं निशान नहीं बिलागढ़ गाँव, रास्ता नहीं, मकान नहीं, पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हो। गुना सरकार सब कुछ योजना दिए, हम तो कोई योजना नहीं देखा था। देखने बात मकान फोड़ खींच और हम कह रहा कहो जहाँ हम तो टेंट है भी व्यवस्था दे दें सरकार तथे भी हम बहुत सरकार धन्यवाद कर टेंट दे दें मकान तो नहीं दे टेंट है व्यवस्था कह दिया यदि आपदा होनी तो होबे ही।
हमार सारी रोड बग गाँव नी नहीं तो है खानो पियानो भाड़ा बाजना पे सुरंगे भी देना और क्या था कति परिवार रन ये बिलागढ़ गाँव में अभी सरकार लैटिन लैटिन बाथरूम हम लैटिन बाथरूम भी नहीं हम हमारे जन भी बढ़ाया आप दोपड़ा जा बड़ा आप ही बढ़ाया ये तो पुराने मकानों पर आया हम अब मोदी बोलो चाहिए कि हम मेरे नए मकानों दिन आ कह तो देखा हमारे कहते नए मकानों कह तो हमारे पक्के मकानों हम ये मैं कर रहे हैं ये मैं पुराने मकानों पर हम तो कोई नहीं ना गाँव प्रधान तो मैं नहीं और तो कह रहे हैं हम गाँव प्रधान भी नहीं थे कहना क्या बोलता हूँ आपदा के कारण और गाँव के नीचे सुरंग चल रही है इससे गाँव में प्रभावित हो गए ना ही रास्ते आने के लिए जी बात करें कितने परिवार इस गांव में रहते थे जो पूरी तरह से प्लान हो चुके हैं इस गांव में वैसे तो 23 परिवार हैं पर सारे पलायन हो गए 8-10 परिवार हैं गांव में।